अस्सलामुअलैकुम। ये जो 20 तारीख को जो शादी हॉल बंद हो रहे हैं, इस पर आप क्या देखते हैं? शादी हॉल अगर बंद हो जाते हैं तो उसके साथ कितने लोगों का ख़ानदान है जो मुतासर होता है बंद होने से? अस्सलामुअलैकुम भाई, हमारी अपील है जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से कि शादी हॉल जो 20 तारीख से अभी बंद करने जा रहे हैं, ये हमारे साथ एक नाइंसाफ़ी है। एक प्रोग्राम होता है उससे 50 अफराद रिलेटेड होता है कि 6 महीने हमारा कारोबार बंद किया गया है, हमारे मजदूरों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। हम इसको पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी बंद की जाए, हमारा माशी कत्ल बंद किया जाए। हमें SOPs दी, हम उस पर 100% अमल दामद करा रहे हैं और 20 तारीख को हम शादी हॉल बंद नहीं करेंगे। हमें चाहे जेल भी जाना पड़े, हमें मजदूरों को जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। हम शादी हॉल मालकान से भी अपील करेंगे कि हमारा साथ दें, शादी हॉल खुले रखें। अब हम फाका कशी पे नहीं जा सकते। जो पिछली हमारी पार्टियां थी, हम उसको रिटर्न ही कर रहे हैं। 2 महीने मुश्किल से हुए, कारोबार खुला ही नहीं है। दोबारा जो है ना, वफाक की तरफ से, MCU की तरफ से आ गया कि शादी हॉल 20 नवंबर से बंद कर दिए जाएंगे। 2 दिन पहले खान साहब ऐलान करते हैं कि जी कोई कारोबार बंद नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं पाकिस्तान की मईशत को बहाल कर रहा हूँ। ठीक है, अभी कस्टमर निकला ही था, 2 दिन में आया जी ठीक है, कस्टमर मुतमैन हुआ जी ठीक है, आप कारोबार बंद नहीं होगा, शादी हॉल खुला रहेगा। 3रे दिन जो है ना, ऐलान कर देते हैं जी शादी हॉल बंद हो जाएंगे। अब वो जो 30 या 35% कस्टमर था, अब वो जीरो हो गया, जीरो। हम कहां से पैसे वापस करें जी? अभी हमारे साथ एक शादी हॉल के हेड वेटर मौजूद हैं, हम इनसे पता करते हैं कि 20 तारीख को जो शादी हॉल बंद होने जा रहे हैं, इसके ऊपर क्या ये अपनी राय देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जुल्म हो रहा है हमारे साथ। पहले भी हम लोग 6 महीने बेरोजगार रहे, कोई पूछने नहीं आया, अब फिर हमारे खुदा खुदा करके हॉल खुले हैं तो फिर हमें बंद किया जा रहा है। SOPs दी पहले हमें, तो हमने उस पर अमल किया, फिर वो बंद करने पे आ रहे हैं। तो अब भी देखें कि शॉपिंग मॉलों में इतना रश लगा हुआ है, इनके जलसे हो रहे हैं, वहाँ पर इतनी वायलेशन हो रही है, उस पर कोई भी नहीं गौर कर रहा। सिर्फ और सिर्फ हर किसी को शादी हॉल ही नजर आ रहे हैं, शादी हॉलों पर जुल्म किया जा रहा है। इतने लोग हैं, 800 शादी हॉल है, हर हॉल में कम से कम 20 से 25 लोग हैं जो वर्कर काम करने वाले हैं, सब बेरोजगार हो रहे हैं। पहले भी 6 महीने लोग बेरोजगार रहे, कोई भी हुकूमती अहदेदार हमसे पूछने नहीं आया। हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा हमारे हाल पर रहम करें, हम लोगों को काम करने दें, हमें कोई गाइडलाइन दें कि हमें किस तरीके से चलना है। हमें आपने बोला कि 300 लोगों पर चलना है, हमने 300 लोगों पर भी प्रोग्राम किया, 200 करने हैं तो 200 पर भी हम प्रोग्राम करेंगे, हमें प्रोग्राम करने की इजाज़त दी जाए। बस बड़े अहदेदारों वालों से अपील है कि हमें मत मजबूर करो, प्लीज़ खुदारा हम पर रहम करो और हमें कोई गाइडलाइन दो और हमारे शादी हॉल बंद मत करो।